कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही ना करूं ये गलत बात है। नमस्कार दोस्तों, तो सीधा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे टॉपिक पे बात करते हैं कि हमारा टॉपिक क्या है। आप जैसे जानते हैं कि एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास का बच्चा जो होता है सुबह शाम क्या आता है, रनिंग करता है, काफ़ी मेहनत करता है। 2-3 महीने के लिए जैसे ये इंडियन आर्मी की रैली भर्ती आती है तो खूब मेहनत करता है, और मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं 90% वो ही एक्सीलेंट करते हैं ग्राउंड में। बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वो टेस्ट पे ध्यान नहीं देते। तो उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनको कोचिंग वगैरह के लिए भेजें, तो बच्चे क्या होते हैं वहाँ से टेस्ट में फेल हो जाते हैं। अब इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आपको क्या एक स्ट्रैटर्जी के तहत पढ़ना है। मैं नहीं बोलता कि आप 5-6 घंटे पढ़ो डेली, आपको 2 या 1-1.5 घंटे काफ़ी है, ठीक है। तो आप श्योर है कि सक्सेस होगी, तो सीधा आप सिलेबस पे बात करते हैं। चलो भैया, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे हम मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे पास बेसिकली सिलेबस क्या रहता है। ठीक है, तो जो जीडी जनरल ड्यूटी होता है ना, उसके लिए सिंपल काफ़ी बेसिक एक मतलब एग्ज़ाम पास करना तो काफ़ी बहुत ही ईजी रहता है। बट एक स्ट्रेटजी के साथ अगर आप पढ़ोगे थोड़ा थोड़ा डेली, तो आप इजीली उसको अफोर्ड कर लोगे। तो सिलेबस देखिए, हमारे पास ये सिलेबस रहता है। ठीक है, टोटल क्या है सिलेबस, इसी में से आपका बनेगा ये सिलेबस है। तो इसका पैटर्न चेक करते हैं। सबसे पहले पैटर्न क्या रहता है, तो हमारे पास क्या है, 3 सेक्शन दी जाती है। तो पहले वाली सेक्शन है हमारे पास जनरल नॉलेज की। ठीक है, उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो टोटल कितना हुआ, 30। ठीक है, और फिर सेकंड सेक्शन रहती है जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या रहता है, 20 क्वेश्चन रहता है, उसमें हर क्वेश्चन फिर 2 नंबर का, तो 20 दूनी 40, 40 मार्क्स ये हो गए। और थर्ड रहता है जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी मतलब वो मतलब नॉट एक इंटरेस्ट नहीं लेते उसमें, और वो काफ़ी टफ टफ फील करते हैं। बट इसमें बेसिक रहता है, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजिली 15 क्वेश्चन में से 12-13 क्वेश्चन इजीली लेके चल सकते हैं। और आपके इसमें भी वो से 15 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे कितना रहता है, 30। ठीक है, तो ओवरऑल ये कितना हुआ, 30, 40, 70 एंड 100। तो 100 में से आपके 100 नंबर बने, उसमें से आपको पास मार्क्स चाहिए 32, जस्ट 32। ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल ड्यूटी की। ठीक है, तो ये रहती है स्ट्रेटजी जनरल ड्यूटी की। और ये तो है एनसीसी सर्टिफिकेट वाले, इनको तो ठीक है, जिसका है तो उसके लिए तो गुड, और बाकी जो नहीं है उनके पास तो उनको तो ये चीज़ें लेके चलना पड़ेगा। तो इसके लिए एक स्ट्रेटजी, अगर तुम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग इसको करोगे ना, तो तुम इजीली पेपर कर लोगे। जैसे तुम डेली अगर कोई चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लेते हो या फिर इसी चैनल पे बने रहते हो, तो अगर आपको लगता है मेरी वीडियोस वगैरह आप देखना, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कर सकते हैं, बट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप, जैसे मैंने इसको डिवाइड कर रखा है, तो कोई भी स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में तो नहीं फेल होने वाला, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलेगा तो। ठीक है, हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है मेरे से कि सर यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग, हाँ बेटा इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो ऐसे ही जल्दी टाइम होने मतलब टाइम वैसे टाइम तो काफ़ी मिलता है एग्ज़ाम के लिए, बट इसमें क्या रहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ऐसे तुक्का लगा के आ जाते हैं, और जो उन्होंने किया होता है उसको भी वो ख़राब करके आते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग रहती है आपकी 0.05 मार्क्स। ठीक है, पर गलत अटेम्प्ट के, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में लेके चलना है। तो बेसिकली जो है हमारा जो है इस सिलेबस टोटली जीडी के लिए यही रहेगा। अगर मैं आप सिलेबस की बात करूँ तो इसको कैसे आपने स्टडी करना है, तो इस पर एक बार डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब सीधा सिलेबस की बात करते हैं पहले पार्ट की, जो क्या था हमारा, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में क्या रहता है हमारा, एब्रीवेशन रहता है। एब्रीवेशन आपको पता है, जैसे WWE की फुल फॉर्म क्या होती है, UN की फुल फॉर्म क्या है, WHO की फुल फॉर्म क्या है, तो ऐसी बेसिक चीज़ें रहती है। और बेसिक चीज़ें आपको जो हमारे करंट अफेयर के रिलेटेड कोई, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 की अभी चली थी, तो WHO बार बार उसमें उसकी न्यूज़ आती रहती थी, तो कुछ ऐसे न्यूज़ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स का रहता है, रिसेंटली आपका क्रिकेट में कौन सा कप क्या है, फुटबॉल के लिए कप कौन जीता, तो ये चीज़ें रहती है बेसिक, इसलिए ज़्यादा इतना टफ नहीं रहता। अवार्ड्स में रहता है, अवार्ड्स आपके जो भी हैं सारे नेशनल अवार्ड, ग्लेंट्री अवार्ड, ये नोबल प्राइज़ वगैरह का रहता है। हिस्ट्री में रहता है आपका,
तो हिस्ट्री सेक्शन भी आपको ये लेके चलना है, या इम्पोर्टेंट डेट्स होती है, बैटल्स इन इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री, लैंडमार्क ऑफ इंडियन हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट कब हुए, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, लैंड्स और फिर को लड़ाइयाँ जो हुई हैं उनका रहता है बेसिकली। और मेन है हमारा ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन रहते हैं, अगर आप थोड़ा सा लेके चलोगे तो इजीली आप इसको कर ले। जैसे बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट क्या है, ज्योग्राफी का रिवर्स क्या है, लेक्स कहाँ पर है, फेमस वाटरफॉल कहाँ है, ठीक है, प्रिंसिपल पीक्स कौन सा, ऊंची चोटियाँ कौन सी, लंबी नदी कौन सी, जैसे ऐसे कुछ रहते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में रहता है, सूर्य के या फिर पृथ्वी के सबसे नज़दीक, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं पूछता। बस आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। नेक्स्ट आपका ज्योग्राफी के बाद ये टर्मिनोलॉजी होता है, जैसे ज्योग्राफिकल टर्म्स होता है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स, लीगल टर्म, म्यूजिक, ठीक है, तो इस तरह का रहता है, सिंपल सा रहता है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट रहता है आपका ज्योग्राफी के बाद, तो इसमें क्या है, टर्मिनोलॉजी की बात कर रहा है, तो टर्मिनोलॉजी में क्या रहता है आपका यहाँ पर बेसिकली, ओ सॉरी 1 मिनट, हाँ, ये बात कर रहा, टर्मिनोलॉजी में आपका क्या रहता है, इसमें ज्योग्राफिकल टर्म्स रहती हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स रहती हैं, तो सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अगर यूएनओ की बात करें, इंडियन आर्म फोर्स के बारे में, आर्मी दिवस कब है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन टाउन्स एंड स्टेट्स की बात करता है, ठीक है, भारत के जो शहर हैं, राज्य हैं, यूटीएस, उनके सारे क्वेश्चन बनते हैं। इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, कौन कहाँ पे है, कब बना उसकी फाउंडेशन, ठीक है, सारा कुछ, फेस्टिवल इंडिया के, डांस वगैरह, ये सारा कुछ रहता है, कौन से स्टेट में कौन सा डांस वगैरह, ऐसे बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। इंडियन न्यूज़ एजेंसी है, ठीक है, इवेंट्स एंड डिस्कवरी का रहता है, किसने क्या इन्वेंट किया, कब किया, ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट पे रहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस पे रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पे रहते हैं, ठीक है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर 10-15 मिनट के वीडियो बनाऊंगा, इस हर जो टॉप हमारे 100-100 क्वेश्चन होंगे, तो आप इजीली डेली अगर देखोगे तो आप इजीली इनको अचीव कर सकते हो, अपना टारगेट, ये कोई बड़ी बात नहीं है इनको, ठीक है, और वो भी एक जनरल ड्यूटी आर्मी, क्योंकि बेटा वो मैं पहले बोल चुका हूँ कि दुख होता है जब आप इतना 2-3 महीने इतना हार्ड वर्क करते हो ग्राउंड पे, फिजिकल के लिए ग्राउंड दौड़ वगैरह जो रहता है, रनिंग वगैरह उसमें, और लास्ट में एक जिसे टेस्ट में बच्चा कोई बाहर हो जाता है तो उसको काफ़ी दुख होता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको ये चीज़ें थोड़ा साथ में लेके चलना पड़ेंगी। मैं नहीं बोलता कि डेली 5-6 घंटे बैठो, बट जस्ट एक एक 1.5 घंटा तो निकालो कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ना बेटा, ये हमारा अभी जो जनरल अवेयरनेस का चल रहा है, तो उसमें रिलीजियंस कम्युनिटी के बारे में पूछ सकता है, नेशनल इंटरनेशनल डे के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें एक आध क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है, 100% ये क्वेश्चन बनता है कि हाँ कौन सी डेट को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, जैसे WHO के बारे में, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं। बुक्स और ऑथर जो फेमस है, आप टॉप 50 ले लो ना, कोई टॉप 50 जो, मतलब आप ऐसे देखोगे बिना टॉप 50, तो उसमें से क्वेश्चन बन जाता है इसका। वर्ड्स, प्लांट्स एंड एनिमल का तो ये रहता है, करंट अफेयर का ये 4-5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें करंट अफेयर में से, ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी, इसको भी थोड़ा सही से लेके चलना, 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ज़्यादा कुछ बेसिकली। तो आपका जो है ये ओवरऑल GK का सेक्शन यही है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारा जो है जनरल साइंस का, हाँ, तो नेक्स्ट है हमारा जनरल साइंस। अब जनरल साइंस में क्या रहता है तुम्हारा बेसिकली, इसमें जनरल साइंस में क्या पूछा जाता है, ह्यूमन बॉडी के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, तो फूड और न्यूट्रिशन के बारे में, डिजीज़ कौन, बीमारी और उसकी रोकथाम के बारे में, ठीक है, और उसकी वैक्सीन वगैरह के, उसकी, ठीक है, इसको किसने वो किया, रिन्वेंशन किसने की, वैसे क्वेश्चन रहते हैं। बाकी विटामिन्स में तो ये तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको तो लेकर चलो, विटामिन एंड देयर उनके साइंटिफिक नाम, ये सारा कुछ ऐसा रहता है, ठीक है। तो फिर जनरल साइंस में और क्या रहते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी बेसिकली, ज़्यादा कुछ GD में इतना टफ नहीं पूछता कि साइंस में, हाँ आपको ये डेरिवेशन वगैरह उसके या इक्वेशन वगैरह पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं रहता है इसमें, बेसिक पूछा जाता है, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट, न्यूटन का पहला नियम क्या है, दूसरा है, तीसरा है, ऐसे करके, फिर ठीक है, लॉ ऑफ जड़त्व का नियम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक फंडामेंटल डे एंड एक्टिविटीज़ के बारे में, मेडिकल टर्म्स रहती है, मेडिकल टर्म्स जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट हैं या फिर
बाकी जैसे साइंटिफिक की टर्म रहती है, फिर साइंटिफिक रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। हाँ, ये आपके जो जनरल साइंस है ना, उसमें इंस्टीट्यूट वगैरह के जैसे IIT, ये कहाँ पे हैं, वैसे क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, ये ऐसे। ठीक है, अगला है हमारा IQ, रीजनिंग का रहता है। ये रीजनिंग का आपका क्या है, इसी में आ जाता है मैथ्स में, तो इसका मैथ्स का डिस्कस करते हैं अगली सेक्शन। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स के नाम से बस एक बात बताऊँ मैं आपको, ये सबसे इजीएस्ट है। मतलब GD एक बेसिक चीज़ है कि मतलब बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर आप डेली लेके चलो ना, थोड़ा सा मतलब अपना डेली पढ़ने का स्टार्ट करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ सबसे ज़्यादा आप इसी सेक्शन में मार्क्स लोगे। और इसमें आपसे मैंने अभी कितने 15 क्वेश्चन बताए थे, 15 क्वेश्चन रहते हैं 30 मार्क्स के, तो 15 में से 15 आप टॉप 30 30 आप इसमें मार्क्स ले सकते हो। बट शर्त है कि आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हर कोई सीख के नहीं आता है, यही सीखता है। कोई बोलता है यार मेरे तो ऊपर से जाता है, दिमाग के ऊपर से जाता है, वैसा नहीं होता कुछ भी। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो हो जाता है, इजीली होता है। आज नहीं, आज थोड़ा, कल थोड़ा, ऐसे ऐसे करके करो ना तो इजीली तुम कर लोगे। ठीक है, तो इसमें स्टार्ट करते हैं कि क्या रहता है। बेसिक अर्थमेटिक्स का रहता है। अर्थमेटिक्स में क्या रहता है, इसमें नंबर्स के ऊपर रहता है, HCF, LCM, बेसिक डेसिमल फ्रैक्शन रहता है, स्क्वायर रूट निकलता है, वर्गमूल वगैरह, परसेंटेज, प्रतिशत का रहता है, औसत का रहता है, रेशियो अनुपात है, समानुपात रहता है, लॉस एंड प्रॉफिट रहता है, लाभ हानि का रहता है। ठीक है, तो टाइम वर्क ये सारा कुछ जो है सिंपल इंटरेस्ट का रहता है, काफ़ी इजी है। बेसिकली मैं आपको बात बताऊं कि अगर पूरा मैथ आपका है ना, तो 5 आवर में, 5 घंटे में आप इजीली इस पूरे को, मैथ को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो बेसिक कॉन्सेप्ट। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 30 out of 30 घंटे के साथ बोलता हूँ। ठीक है, अब एलजेब्रा में देखो, बेसिक ऑपरेशन, फैक्टराइजेशन, HCM, LCM, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इसमें क्वेश्चन बनता है सीधा, वही XY निकालो, वाई सीधे दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दे रखा है, LCM लीनियर क्वेश्चन का बनता है इसमें क्वेश्चन, और कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है कि हाँ मैथ्स है तो मैथ्स को छोड़ो, बाकी में हम ये करेंगे, मार्क्स वहाँ से ले लेंगे, ऐसे बच्चे भागते हैं पता है मुझे, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है इसमें। हमारे एकेडमी में ऐसे बच्चे आते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मैथ्स में मेरे को बिल्कुल ही नहीं आता, तो जो उसमें जो कमजोरी रहती है बच्चे की सब्जेक्ट की, उसमें हम ज़्यादा पकड़ पढ़ाते हैं बच्चे के, तभी वो बच्चा क्या है ईजिली कर पाता है। नेक्स्ट इसके और भी सेक्शन है, तो और बाकी सेक्शन जो है उन पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या रहता है उनमें, तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। हाँ, ज्योमेट्री पे रहता है, तो ये रहा आपका ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री का लाइंस और एंगल्स के बीच में, सर्कल, ट्रायंगल्स के बारे में, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, सेमी सर्कल, ये सारा कुछ इसमें रहता है। आपको उसके एरिया के फॉर्मूले पता होने चाहिए, उसके पैरामीटर का पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल कैसे निकलते हैं, परिमाप कैसे निकलते हैं, बेसिक इसी पे क्वेश्चन पूछता है बार बार। मेंसुरेशन की बात करते हैं, ठीक है, एरिया एंड पैरामीटर स्क्वायर, ये देखो ये सारा कुछ, वो सिलेंडर, कॉन, स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये सारा कुछ, सर्कल, वॉल्यूम, कुछ नहीं, सारा कुछ 0 है, स्फीयर वगैरह के ऊपर रहता है। ठीक है, तो आप जस्ट थोड़ा सा दोगे ना, अपना ये है कि आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, आप सोचोगे कि नहीं ये हो जाएगा। और मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ, मैं पहले भी स्टार्टिंग वीडियो में डिस्कस किया है ना, थोड़ा डेली लेके चलो भाई, तभी कर पाओगे तुम। अगर तुम आजकल इतना कंपटीशन है ना, कट एंड थ्रोट है भाई, 50 बंदों के ऊपर एक बंदा लेके चलो, इतना रेशियो रख रहे हैं, 50 के ऊपर एक बंदे की रेशियो, 50 के ऊपर एक बंदे की रेशियो बोल रहा हूँ मैं, शायद आपको समझ आया होगा। इसमें क्या है, अगर तुम डेली लेके चलोगे ना, तो आपका जो सक्सेस का ऐसे ग्राफ ड्रॉ करूँ ना मैंने, आपके टाइम के अकॉर्डिंग और आपकी मेहनत का ग्राफ जो है, वो ऐसे ऐसे करके यहाँ यहाँ डेली डेली करके इंक्रीज करेगा, ये जाएगा पूरा सक्सेस की तरफ। ठीक है, तो आपकी सक्सेस जो है वो 100% श्योर है अगर आप ऐसे लेके चलो। अब मेन है कि तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो सिंपली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, डेली मैं आपकी वीडियो अपडेट करूँगा। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, डेली देखना है, जस्ट उनको बार बार रिपीट करना है और खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है, तभी पॉसिबल है। ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।